नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभिभ्या की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे। हम यहां कर क्या रहे हैं, परीक्षा की तैयारी। कक्षा 12वीं बोर्ड में भौतिकी विषय के सीजी बोर्ड की एग्जाम सीरीज की तैयारी जो है मैं आप लोगों के साथ करा रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी सभी विषयों पर बोथ 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए आपको अभिभ्या के प्लेटफॉर्म पर ये सारी की सारी क्लासेस मिल जा रही हैं। इसके अलावा यदि आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं और हमारे वीडियोस मिलेंगे आपको एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 के नाम से। तो यदि आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें और रेगुलर तौर पर जुड़े रहें, रिविजन भी करते रहें। आगे बढ़ते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है विद्युत चुंबकीय तरंगे, चैप्टर नंबर आठ तक। अब जो है इस चैप्टर में जो है आपको कुल मिला के ब्लूप्रिंट का जो डिस्कशन है तो कुल मिला के कितने नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो 3 नंबर का ही होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन अब आपके पास में सवाल उठता है कि क्या इसकी तैयारी की जाए या क्या इसकी तैयारी नहीं की जाए। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, इनमें से एक के पास में जो है डेटा याद रखने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जो फैक्ट्स को जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, और दूसरे प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं जो फैक्ट्स याद रखने की बजाय जो है मैथमेटिकल जो है जितने भी डेरिवेशन और फार्मूलाज हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, न्यूमेरिकल अच्छे से बना सकते हैं। ये 3 नंबर आपको जो है सिर्फ एक बार या दो बार पढ़ने से चैप्टर में मिल जाता है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। आइए हम जो है पहले पूछे जा चुके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ लिए तो आपके लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें से इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं और इनके कोई 4 गुण लिखिए। अब भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो है परस्पर दोलन से बनने वाला जो है तरंग है। मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से पलट रहा है और इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर हमको जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके से चलता हुआ नज़र आएगा। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जो है एक ही कला में जो है जब एक साथ दोलन होने लगता है तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इन्हें उत्पन्न कैसे किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को दोलायमान आवेश से या फिर जो है त्वरित गति करते हुए आवेशों द्वारा जो है उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं इनका जो है क्या क्या गुण है, इनके 4 गुणों का वर्णन करने के लिए जो है जब बोला गया है तो आप गुण नंबर 1 लिखिए कि हर एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद में जो है दूसरी बात कर सकते हैं कि क्या यह चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, तो ये चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं। तीसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे इनको जो है किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, दोलायमान आवेशों द्वारा जो है इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। चौथी बात क्या है कि क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या ये निर्वात में गति कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल निर्वात में गति कर सकती हैं, इन्हें किन्हीं माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा जो है अगर आप इसमें जो है खासियत देखना चाहें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो जो है निर्वात में तो गति कर ही लेती हैं, और इनका जो है भाई हमारे पास में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, तो इनमें से ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती हैं। यहाँ पर देखिए, और अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे का उदाहरण क्या है, यहाँ पर जो है साउंड यानी कि ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो इतने सारे गुण हम लोगों ने देख लिए। 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको 3 में से पूरे 3 अंक मिल सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इनके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। रेडियो तरंगों का उत्पादन हम LCR सर्किट जो अभी हम लोगों ने देखा है उस सर्किट से जो है रेडियो तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। यदि जो है कोई आवेश जो है त्वरित गति कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उससे भी रेडियो तरंगों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है,
अब इसके दो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में किस तरीके से, हम एफएम रेडियो सुनते हैं, एएम रेडियो सुनते हैं, टीवी का प्रसारण होता है, ये सारी की सारी जो है तरंगे कौन सी हैं, रेडियो की तरंगे हैं। इसके अलावा और कौन सी तरंग, और क्या उपयोग होता है, सेलुलर फोन में, मोबाइल फोन में भी रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कब का प्रश्न था, 2019 का प्रश्न था, और हमको यहाँ पर 3 नंबर फिर से मिल गए। 1 नंबर हमको मिला, हम लोगों ने इसका उत्पादन के बारे में बताया, और उसके बाद में 2 उपयोग लिखने से हमको 2 नंबर और मिल गए। आगे बताइए, एक्स किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जा सकता है, और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। जो एक्स किरणें होती हैं, तो बहुत ही तेजी से जो है, जो आवेश जो है गतिमान होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अगर बहुत तेजी से गतिमान है, और इन्हें बहुत ही अचानक जो है किसी भारी धातु के ऊपर टकरा दिया जाए, तो इसमें बहुत तेजी से त्वरण होता है, और इस त्वरण के फलस्वरूप एक्स किरणें निकलती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि तीव्रगामी आवेशों को किसी भारी धातु की सतह से टकराने पर उनमें तेजी से जो त्वरण होता है उसके कारण एक्स किरणों का उत्पादन होता है। इसका क्या क्या उपयोग होता है भैया? तो इसका उपयोग होता है, पहली बात है कि जो है हम इससे जो है हड्डियों के लिए जो है, मतलब हड्डियों में जो क्रैक होता है उसको देखने के लिए जो है टूटी हुई हड्डी के लिए एक्सरे का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय संरचना को समझने के लिए भी एक्स किरणों का जो है उपयोग किया जाता है। रेल की पटरियों में अगर कोई दरार हो तो उसको देखने के लिए भी हम एक्स किरणों का उपयोग करते हैं। 2019 का ही ये भी प्रश्न है, और हम लोगों ने उत्पादन बताया, उसके 2 उपयोग बताए, 3 नंबर मिल गए। आगे बढ़िए, अब गामा किरणों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। पहली बात आपको मैं बता दूं कि गामा जो किरणें होती हैं, यह किसी नाभिकीय अभिक्रिया से ही निकल पाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा का जो है उपयोग होता है। तो गामा किरणें बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होती हैं, और इन्हें सिर्फ नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अब गामा किरणों का उपयोग किस किस चीज़ के लिए होता है? पहली चीज़ ये है कि इनका जो है विभेदन क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए जो है हम जो है इससे जो है संवेदन का जो है उपयोग करते हैं। और दूसरा है कि गामा किरणों द्वारा परमाणविक संरचना के बारे में भी जो है हम स्टडी कर पाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हो गई, हमको 2019 में पूछा गया यह प्रश्न भी है, और इसमें भी जो है हमको 3 के 3 अंक मिल जाते हैं। अब अगली बात क्या है, अवरक्त किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, और इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो अवरक्त किरणें जो है क्या होती हैं, इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें, जब आप जो है रिमोट चलाते हैं ना, तो रिमोट में जो है यहाँ पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, और जब आप जो है रिमोट दबाते हैं तो उस बल्ब से निकलने वाला प्रयास शायद जो है आपको यहाँ पर तो नहीं है, तो शायद जो है आपको अपने घर के टीवी रिमोट से भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये रिमोट हो गया, यहाँ पर बल्ब लगा है, और अगर मैं इसको चमकाऊँ तो शायद जो है आपको यहाँ पर भी जो है अवरक्त किरणें नज़र आ रही होंगी, क्योंकि उसको कैमरा से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अवरक्त किरणें क्या होती हैं, ये जो है इनका उत्पादन कैसे करते हैं, अवरक्त किरणों का उत्पादन गर्म सतह से किया जाता है। गर्म सतह से अवरक्त किरणें अपने आप निकलने लगती हैं, पहली चीज़ हो गई। अब इसके प्रमुख उपयोग क्या हो गए, पहला है रिमोट में, ठीक है, रिमोट में। उसके बाद में आप लोगों ने आयरन मैन पिक्चर देखी है, और या फिर जो है जब कोई जो है गाइडेड मिसाइलें होती हैं जो किसी दूसरे वायुयान या दूसरे मिसाइल का पीछा कर रही होती हैं, तो उसके लिए जो है जिन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है वो है उन मिसाइलों से या उन वायुयानों से निकलने वाली गर्मी। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग गाइडेड मिसाइल में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कोई सांप जो है किसी चूहे का शिकार करने के लिए बिल में घुसता है, उस समय में भी वह उसके शरीर से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग करके उसको जो है अंधेरे में भी देख पाता है। और अंधेरे में देख पाने की जो बात आई, तो हम जो है जो अंधेरे में फोटोग्राफी करते हैं उस समय भी जो है हम अवरक्त किरणों का उपयोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा अवरक्त किरणों का एक और उपयोग ये है कि जब जो है बहुत ज़्यादा धुंध जो है छा गई होती है, तो अवरक्त किरणें जो है धुंध को पार करके आगे जा सकती हैं, इसलिए धुंध में भी जो है हेडलाइट के रूप में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है।
2020 का यह प्रश्न और हम लोगों ने इसका भी सक्सेसफुली उत्तर दे दिया। अब पराबैंगनी किरणों का जो है उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और इसके दो उपयोग लिखिए। तो पराबैंगनी किरणों का उत्पादन जो है एक विशेष बल्ब से जो है किया जाता है, उसके साथ साथ सूर्य से एक विशेष प्रकार का बल्ब जो नोट की जो है नीचे जो है हम लोग चेक करने के लिए नीले रंग का जो बल्ब यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में पराबैंगनी तरंगे हैं। अच्छा, और इनका जो है उत्पादन तो हो गया, अब इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग है पराबैंगनी किरणों से जो है हम भाई आपको कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी, और वहाँ क्या यूज़ करते हैं यूवी। तो ये यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, और ये जो है बैक्टीरियाज को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब आपका पानी भी फिल्टर कर सकता है, और दूसरा कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी करते समय जो है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी सफाई के लिए भी पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा नोट की सत्यता जांचने के लिए कोई जो है लियोनार्डो द विंची मतलब जो है जो फेमस पेंटिंग्स हैं उनकी जो है सत्यता जानने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो है हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं। और हीरे या फिर जो है जो क्रिस्टल हैं उनकी संरचना को भी हम लोग अगर स्टडी करना चाहते हैं तो पराबैंगनी किरणों का पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जो है हम लोगों को ध्यान रखना है, तो ये सारे जो है प्रश्न जो है हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।